नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके फिर YouTube चैनल में। देखिए, मैंने आप लोग के कहने पर मैं मेहंदी का फिर से वीडियो बना रही हूँ, और ये थोड़ा दूसरे टाइप का मैं बता रही हूँ। जैसे पार्लर में नहीं अप्लाई करते हैं, वैसे सेम टू सेम बताऊँगी। आप लोग घर पे अप्लाई कर सकते हैं, पार्लर जैसी मेहंदी अपने घर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, मेहंदी मैंने रात में बना ली थी, ओवरनाइट रख दिया था। उसमें मैंने लौंग और मेथी दाने भी ऐड किए थे, जो चाय पत्ती पानी से उबाल के बनाया, उसमें सब कुछ डाल दिया था, तेल में सब कुछ। अब मैं इसको करती हूँ। देखिए, मैं पहले तो अपने बालों को कॉम कर लूँगी और बीच पार्टीशन निकाल लूँगी। बीच पार्टीशन से निकाले आप साइड का भी कर ले सकते हैं और किसर का भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है। तो आप ऐसे करिए और ग्लव्स पहन लीजिए, आपका हाथ नहीं खराब होगा। तो ग्लव्स इस तरह मार्केट में आते पहन लीजिए। और ये देखिए, यहाँ मेहंदी लीजिए और साथ में आप बीच के पार्टीशन के ऊपर से बालों को अपना लीजिए और मेहंदी अप्लाई कर लीजिए। और मेहंदी अप्लाई करके करके छोटे 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 जूड़े बनाते जाइए, छोटे छोटे, उसी में बना बना के उसमें चिपकाते जाइए। देखिए देखिए, अब मैं ये वाला पार्टीशन ले लूँ बीच वाला, तो इसको मैं पहले इसमें सारी पूरा मेहंदी कवर कर लूँगी ऊपर से नीचे, जिसमें रूट में भी चला जाए अच्छे से, क्योंकि मेहंदी लोग बोलते हैं रूट में नहीं लगाना, मगर मेरी मेहंदी इतनी अच्छी है कि आप लोग रूट पे लगाएंगे, रूट का जो अंदर से जो ग्रे हेयर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो मेरे मेहंदी में मैं तेल ऐड करती हूँ, सरसों का तेल ऐड करती हूँ, साथ में एलोवेरा जेल भी ऐड करती हूँ, और आंवला जूस भी ऐड करती हूँ, और त्रिफला चूर, बहुत सी चीज़ मैं ऐड करती हूँ, मगर जो जो मिल जाता है इस समय वो डाल देती हूँ, मेरा मेहंदी इतना अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए, अब इस तरह पार्टीशन लग के सेम टू सेम ऐसे ही पूरा आपको अप्लाई करना। देखिए, पार्लर में आप जाएंगे तो इसी तरह आपके मेहंदी अप्लाई की जाएगी। कलर की बात नहीं करें, मेहंदी की बात करें, अगर मेहंदी आप लगवाते हैं पार्लर में तो इसी तरह मेहंदी आपके बालों में, हेयर में आपकी अप्लाई की जाएगी। तो आप लोग घर पार्लर जैसी मेहंदी घर पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल अपना बना के। आपको पता भी रहेगा क्या क्या चीज़ इसमें ऐड किए हैं, सब कुछ मैंने बता भी दिया, और मैंने ये भी बताया कि मेहंदी कैसे कैसे बनाते हैं। वो दूसरा वीडियो भी मैंने लिंक शेयर कर दूँगी, तो उस वीडियो का भी देख लीजिएगा, मैं उसमें क्या क्या डालते हैं, जो वो बहुत अच्छा रहता है बालों के लिए। तो इस तरह आप जूड़े बना लीजिए, जैसे बनाते बनाते छोटे छोटे करके जूड़े में ऐड करते जाइए। देखिए, ठीक है, ये सारे पार्टीशन देखिए, देख लीजिए, जहाँ पर ग्रे हेयर रहते हैं या फिर रूट बच जाता कहीं पे, उस वहाँ भी अप्लाई कर लीजिए। मेहंदी हमारा गीला हो गया, नींबू लास्ट में मैंने नींबू डाला था सुबह, तो मेहंदी हमारी ज़्यादा गीली होगी, तो थोड़ा इसका मतलब गिर रहा है, तो मेरे फेस पर भी गिरता है ये मेहंदी, और बहुत ज़्यादा मतलब गीला हो गया। ठंडी में तो गीला गीला तो रहता, तो आप कपड़े पुराने ही पहने जो मेहंदी में पहनते अप्लाई करते। जैसे आप सर्दी में है तो अच्छे से स्वेटर जैकेट लगा, दो तीन घंटा लगाना है, ठंडी तो लगेगी, मेहंदी ठंडी होती है, तो सर्दी में देखिए बहुत ज़्यादा गीला हो गया, तो पूरे फेस पे गिरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेहंदी का फेस पैक भी बनता है, फेस पैक भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मेहंदी ठंडी होती है, फुंसी उलसी हो जाता है, तो फेस में बहुत अच्छा मिलता है और ग्लो भी अच्छा आता है, क्योंकि पतंजलि का फेस पैक आता है जो इस मेहंदी से बना होता है। तो इसलिए आप कोई भी मेहंदी ले सकते हैं, आप पत्ती वाली मेहंदी ले तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि पत्ती वाली मेहंदी जो होती है ना वो सबसे नेचुरल चीज़ होती है। मतलब आप नहीं मिल रहा है तो पैकेट वाला ले ले, पैकेट में भी पतंजलि का है, हीना नेहा का है, बहुत सारी है ना, तो वो ले सकते हैं आप मार्केट में। तो उसके जैसे मैंने बताया वैसे बनाइए और आप लगाइए, आपके बाल देखना कितने अच्छे हो जाएंगे, इतने सुंदर, इतने सिल्की, इतने शाइनी बाल हो जाएंगे। और देखिए, आप मैं बाल में मेहंदी लगाई तो सबसे पहले मैंने सरसों का तेल शनिवार था तो लगा ली, संडे को मैं अप्लाई कर रही हूँ, शनिवार को ही मेहंदी बनाई थी और संडे को अपने बालों में अप्लाई करके दिखा रही हूँ आप लोग को। तो इसमें तेल लगाने से क्या होता है कि सर्दियों में हम लोग गर्म पानी से बाल धुलते हैं, तो गर्म पानी से हमारे बाल रूसी और डैंड्रफ हो जाता है, तो गर्म पानी से कभी नहीं धुलना चाहिए, बाल हमेशा नॉर्मल पानी से धुलना चाहिए। तो मैं तो नॉर्मल पानी से धुलती हूँ, भले बाकी जगह मैं गर्म पानी यूज़ कर लेती हूँ, मगर वो भी गुनगुना, वो भी ज़्यादा गर्म नहीं, तो नॉर्मल पानी ही डालते हैं। तो इसलिए तेल लगाने से जल्दी मेहंदी वाली छूट जाती है। गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं, मगर सर्दियों में ये प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग भी ऐसे करें जो मैंने बताया, और कलर भी बहुत अच्छा आता है लगा के। ज़रा देखिए, तेल लगाने के बाद मेहंदी अप्लाई करें, बहुत अच्छा कलर आता है। देखिए मेरे बाल का कलर बहुत, आप दिखाएंगे, आपको वॉश करके तब दिखाएंगे आप। और इसको लगा के छोड़ के दो घंटे, आप जैसे सर्दियों में दो घंटे ही करो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, बाद में अपना कुछ अपना जो काम खाना बनाना है, घर की सफाई करनी, वो सब काम निपटा सकते हैं मेहंदी लगाने के बाद। और फिर दो घंटे बाद आप वॉश कर लीजिए शैम्पू से अच्छे से। मैं तो शैम्पू से ही वॉश करती हूँ, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे नहीं, मैं शैम्पू से वॉश करती हूँ, मेरा कलर बहुत अच्छा आता है। तो आप, मैं 15 दिन पर लगाती हूँ, आप लोग चाहे तो 8 दिन पे लगाएं या महीने में लगाएं, जैसे जिसका बाल हो, तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है नेचुरली बाल, मतलब हमारा अच्छा ग्रो करता है, मतलब नए बाल भी निकलने लगते हैं, साथ में झड़ना बंद हो जाता है, और हमारे सिल्की साइनी अलग होते हैं और काले अलग बाल होते हैं। तो बालों की जितनी भी दिक्कत होती है सब हमारी मेहंदी दूर कर देती है। तो मेहंदी आप लगाइए ऐसे ही जैसे मैं बता रही हूँ, ऐसे पालन, और वॉश करके देखिए
कितना अच्छा लग रहा है। और कलर भी आपको दिखाएंगे, देखिए ये अभी मेरे गीले बाल है तो सुखा के आपको दिखाएंगे, डायर से सुखा के दिखाएंगे बाल कितने अच्छे आए हैं। तो ये देखिए कलर कितना प्यारा आया है, देखिए दोनों पार्टीशन का दिखाऊंगी मैं, कितना अच्छा प्यारा प्यारा कलर आया है, कहीं छूटा नहीं, सब जगह कवर हो गया, क्योंकि गीली भी मैंने थी तो सब जगह कवर हो गया मेरा। देखिए कलर कितना अच्छा है, कोई बार आप लोग देख सकते हैं कितनी सिल्की साइनी भी बाल लग रहा है। तो आप लोग मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। मैं ब्यूटी टिप्स सारे वीडियो आपके पास लाऊंगी, मुझे बहुत कुछ पता है तो इसलिए मेहंदी। देखिए मेरे बाल आप लोग को सुंदर लग रहे होंगे, तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।